दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया भी सुखोई 30 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है और वो उस एयरक्राफ्ट को अभी मॉडर्नाइज कर रहा है और उसकी एक अपग्रेड कर रहा है जिसे सुखोई 30 SM-2 अपग्रेड कहा जा रहा है और रशिया का सुपर सुखोई कहा जा रहा है। ये एक वैसी ही अपग्रेड है जैसा कि हम हमारे सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इस अपग्रेड में रशिया ने रशियन सिस्टम इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जो हम हमारे एयरक्राफ्ट की अपग्रेड करने वाले हैं वो इंडियन सिस्टम्स और रशियन सिस्टम्स के साथ की जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि रशियन Su-30 एयरक्राफ्ट की अपग्रेड में क्या नया है और हमारी सुपर सुखोई अपग्रेड इसके मुकाबले में कैसे होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रशिया के पास सुखोई 30 SM एयरक्राफ्ट है और उसे वो अब SM-2 वर्जन पर अपग्रेड करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जब हमारे देश ने रशिया से सुखोई 30 एयरक्राफ्ट को खरीदा था तो उसमें कुछ इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन की गई थी जिसमें यूरोपियन और इजरायली सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण उसको बाद में MKI का नाम दे दिया गया था। लेकिन हमारे एयरक्राफ्ट में की गई इम्प्रूवमेंट से रशिया इतना इम्प्रेस हुआ था कि उसने जो अपना सुखोई 30 एयरक्राफ्ट था उसको भी हमारे सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट के जैसे ही सिस्टम्स के साथ अपग्रेड किया था और उसे यूज़ किया था। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि सुखोई 30 एयरक्राफ्ट काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन इसकी अभी तक कोई भी मिड लाइफ अपग्रेड नहीं की गई है और उसके मुकाबले में बहुत सारे यूरोपियन एयरक्राफ्ट आ चुके हैं जैसे कि डसॉल्ट राफेल और यूरोफाइटर टाइफून और F-16, जिनको बहुत हद तक अपग्रेड किया गया है। इनको मैच करने के लिए रशिया भी अपने Su-30 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर रहा है। इससे पहले सुखोई 30 SM एयरक्राफ्ट में भी हमारे सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट के जैसे ही AL-31FP इंजन का इस्तेमाल किया जाता था और हमारे एयरक्राफ्ट के जैसा ही रडार इस्तेमाल किया जाता था। अभी रशिया के सुखोई 30 SM एयरक्राफ्ट में सुखोई 35 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले AL-41F-1S इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और N-035 इर्बिस ई रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। ये दोनों सिस्टम ही सुखोई 35 में इस्तेमाल किए जाते हैं। रशिया के सुखोई 30 SM एयरक्राफ्ट में सुखोई 35 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला इर्बिस ई पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार इस्तेमाल किया जाएगा। ये बार्स मल्टी मोड रडार का एक एवोल्यूशन है जो कि हमारे सुखोई 30 MK एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस रडार की एवरेज पावर रेटिंग 5 KW की है और इसके बारे में ऐसा बताया गया है कि इस रडार में बार्स रडार के मुकाबले में ज़्यादा बैंडविथ और इम्प्रूव्ड फ्रीक्वेंसी एजिलिटी है और इसके साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर सकता है और इसके साथ ही इसमें दुश्मन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के अगेंस्ट बचने की ज़्यादा इम्प्रूव्ड कैपेबिलिटी है। इसके रडार के बारे में अगर हम बात करें तो इसका रडार काफ़ी केपेबल रडार है। इर्बिस ई रडार 30 एयरबॉर्न टारगेट्स को एक ही टाइम पर डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है और ये 350 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर दूर से ही टारगेट्स को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 टारगेट्स को एक ही टाइम पर अटैक कर सकता है। इसमें 3 मीटर स्केयर RCS वाले टारगेट को 350 किलोमीटर दूर से ही टारगेट करने की कैपेबिलिटी है और इसके साथ ही ये 0.01 मीटर स्केयर के RCS वाले टारगेट को 90 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर सकता है। ये अभी तक दुनिया के किसी भी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे ज़्यादा पावरफुल पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार में से एक है और इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में एक नए इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो कि AL-41F-1S इंजन है। ये वो इंजन है जो कि सुखोई 35 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता था और ये AL-31F इंजन एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है और ऐसी जानकारी है कि ये AL-31F वेरिएंट के मुकाबले में 16% ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है। रशिया का ये इंजन 176 kN तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जिन दोनों सिस्टम्स के बारे में अभी हम बात की है वो हमारे सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए रशिया ने ऑफ़र किए थे, लेकिन हमारे देश ने इस अपग्रेड ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। रशिया का जो AL-41F इंजन है वो 4000 घंटों की सर्विस लाइफ के साथ आता है, यानी कि ये ज़्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली भी है। इसके एवियोनिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सुखोई 35 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले एवियोनिक्स सूट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक ओपन आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड एक सूट है जो कि मल्टीप्लेक्स डाटा एक्सचेंज लिंक्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें एक इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, एक साइटिंग नेविगेशन और कंट्रोल रडार सिस्टम, एक ऑप्टिकल लोकेटिंग स्टेशन और इसके साथ ही कम्युनिकेशंस, मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट शामिल है। इसके कॉकपिट में एक वाइड स्क्रीन कलर डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। इस एयरक्राफ्ट में एक इंटीग्रेटेड इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर पॉड्स को इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी भी है
और इसके साथ ही इसमें एक फॉरवर्ड और रियर फेसिंग फेजेट्रॉन रडार सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि 62 माइल्स यानी कि 100 किलोमीटर की रेंज तक 24 टारगेट्स को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी रखता है और ये अनइवन टेरेन के ऊपर भी टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में एक एडिशनल ऑक्सिलरी इंटरनल रिजर्व फ्यूल टैंक का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी ऑपरेशनल रेंज काफ़ी बढ़ जाएगी क्योंकि इसके पास ज़्यादा फ्यूल कैरी करने की कैपेबिलिटी होगी। और इसके साथ ही इसमें एक डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें क्वाड्रपल रिडंडेंसी का इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ ही इसमें बड़ी बड़ी रिफ्यूलिंग मिशंस की कैपेबिलिटी भी है, जिससे इस एयरक्राफ्ट की रेंज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में ऐसी कैपेबिलिटी है कि इसको खरीदने वाला कोई भी देश अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें नए वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर सकता है। और इसके साथ ही अगर हम रशिया द्वारा की गई इस अपग्रेड को भारत द्वारा की जाने वाली सुपर स्कोई अपग्रेड के साथ कंपेयर करें, तो हमारी जो सुपर स्कोई अपग्रेड होने वाली है उसमें ज़्यादा इंडिजनस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और वहीं जो हमारे सुपर स्कोई प्रोग्राम में रडार इस्तेमाल किया जाएगा वो एक उत्तम AES रडार होगा, जो कि एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार होगा। लेकिन जो स्कोई 30 SM2 अपग्रेड में रडार इस्तेमाल किया गया है वो एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार है। पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार के मुकाबले में हमारा उत्तम रडार ज़्यादा एडवांस्ड है और ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी वाला है, और ये रशियन इरबिस ई रडार से ज़्यादा एडवांस्ड होने वाला है। इसके साथ ही हमारे एयरक्राफ्ट में अभी किस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा उसके ऊपर अभी डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी एयरफोर्स रशियन इंजन से लेकर संतुष्ट नहीं है और वो अभी यूरोपियन इंजन्स को या अमेरिकन इंजन्स को फेवर कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे एयरक्राफ्ट की अपग्रेड में किसी विदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जाए जो कि या तो यूरोपियन सोर्स से आए और या वो अमेरिकन सोर्स से आए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा रोल्स रॉयस के साथ जॉइंट वेंचर होने वाला है उससे जो इंजन प्रोड्यूस हो वो इंजन हमारे सुपर स्कोई प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ ही इससे पहले हम आपको जानकारी दे चुके हैं कि जो हमारे सुपर स्कोई प्रोग्राम में एवियोनिक्स लगाए जाने हैं वो हमारे DRDO ने पहले ही डिवेलप कर लिए हैं, और उनको इस सुपर स्कोई अपग्रेड में इस्तेमाल कर हमारी सुपर स्कोई प्रोग्राम को इंडिजनसली किया जा सकता है और बहुत सारे पैसे की बचत भी की जा सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।